إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم

सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आख़री नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह रबालमीन ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा मोहतरम हाजरीन जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं ये मुहर्रमुल हराम का महीना है इसमें कुछ सहब कर राम की अज़मत को बयान किया जाता है और बाकी सहब कराम को कुछ लोग गालियाँ देते हैं उनको बुरा भला कहते हैं उनको मुख्तलफ़ के इतहम से और उनके ऊपर बहुत सारी इल्ज़ाम से उन लोगों को मतहम करते हैं मैंने मुनासिब समझा कि इस मौके पर सहाब कराम की अजमत उनके तकदस उनके फजाइल उनके मनाकब और अल्लाह तबारक व के यहाँ उनका क्या मकाम व मरतबा है इस पर गुफ्तु की जाए इसलिए आज के जुमा के ख़बे में मैंने जिस मौजू को मंतखब किया है वो है सहाब कर का मकाम व मरतबा उनकी अजमत और उनका तकदस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सहाबे कराम से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए इसलिए कि यही वो सहाबे कराम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले सपोर्टर थे इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया इनकी आँखों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इनके कानों ने अल्लाह के नबी वसल्लम की बातें सुनी और उस पर अमल किए ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी वसल्लम की इख्तिदा में नमाज़ें पढ़ी ये वो सहाबा हैं जिनकी तरबियत खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये वो सहाबा कर हैं जिन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी अपना माल अपना वक्त अपनी इज़्ज़त आबरू अपने आलो आलोलाद अपना वतन मालूफ यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान की अल्लाह तबार को ताल उन हस्तियों पर अपनी रहमतें नाजिल फ़रमाए सहाबी कौन हैं? सहाबी किसे कहते हैं इस त्ल्लुक़ से हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह रहमतल ने फरमाया किसाबी मल्य नबी या सल अल्ला वसलम ममिनन व मतालसलाम सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने हालत ईमान में नबी से मुलाकात की और इस्लाम पर ही उसकी मौत हुई जो अल्लाह के नबी वसल्लम पर ईमान लाए ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारा नबी से मुलाकात की और इस्लाम पर ही उनकी मौत हुई ऐसे शख्स को क्या कहते हैं सहाबी कहते हैं जो अल्लाह के नबी पर ईमान तो लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी उनको मिला लेकिन नबी से मुलाकात नहीं कर पाए उनको साहबी नहीं कहेंगे जैसा करनी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनको अल्लाह के नबी वसल्लम का ज़माना मिला नबी वसल्लम के ज़माने में कर्न में यमन के एक कबीले में रहते थे आपके ऊपर ईमान भी लाए आपकी एक वालिदा थी जिसकी ख़िदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया था वालिदा को छोड़ करके वो मदीना नहीं आए इसलिए शरफ़ सहाबियत से महरूम रहे अलबत् तबारक ने इनको बहुत ऊँचा मकाम दिया अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इनको वली करार दिया अलैहि वसल्लम ने उनके फ़ज़ाइल और मनाकिब बयान किए ये अपनी जगह पर लेकिन बहरहाल हजरत अवैस कर्नी रहा आहबी नहीं हैं क्यों इसलिए कि उन्होंने नबी से मुलाकात नहीं की कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नबी से मुलाकात की लेकिन आपके ऊपर ईमान नहीं लाए तो वो सहाबी नहीं है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर ईमान लाए आपका ज़माना भी मिला आपसे मुलाकात भी किए लेकिन उनकी वफात इस्लाम की हालत में नहीं हुई मरने से पहले वो मर्तद हो गए जैसे मुनाफिकीन हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा करते थे लेकिन इन्होंने अपने दिलों में कुफ्र छुपा रखा था इन्होंने अपने दिलों में निफाक़ छुपा रखा था और ये मैं नहीं कहता हूँ अल्लाह तबारक ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया इन नल मुनाफिकी नफी दर किलासफली नार मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे नबी पर ईमान लाने का दावा किया लेकिन उसका हक़ नहीं अदा किया इस्लाम की ज़िंदगी नहीं गुजारी मौत इनकी ईमान पर इस्लाम पर नहीं हुई तो ऐसे शख्स को भी सहाबी नहीं कह सकते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो नबी वसलम पर ईमान तो लाए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो मुरतद हो गए नबी करीम अलैहि वसल्लम के बाद ने जक़ात का मसला उठा मुद्दिया ने नबूवत का मसला उठा तो बहुत सारे लोग थे जो आपके ऊपर ईमान लाए लेकिन वो इस्लाम की हालत में नहीं मरे मुरतद हो गए ऐसे शख्स को सहाबी नहीं कहेंगे हायत अबू बकर रज़ी ने अपने दौरे खिलाफत में उनके साथ जंग किया हम उसकी तफसील में नहीं जाना चाहते हैं इसलिए कि वो हमारा मौजू आज नहीं है तो सहाबी वही उसी को कहते हैं जो नबी पर ईमान लाया नबी से मुलाकात किया और हालत इस्लाम में उसकी वफात हुई अल्लाह तबारक व ने सहाब कराम का मकाम व मरतबा कुरानी मजीद में बेशुमार मकामा पर बयान किया है सूर् तौबा में अल्लाह ने फरमाया व सबक़ुन अलव्वल अनसार अवलानसार और अनसार में वो लोग जो सबक़त करने वाले थे यानी पहले ही ईमान लाने वाले महाजरीन में बहुत सारे लोग पहले ही ईमान लाए थे और अनसार जिन्होंने महाजरीन की मदद की महाजरीन उनको कहते हैं जो मक् में थे नबी के ऊपर ईमान लाए और आज वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मक्का से मदीना हिजरत किए उनको महाजरीन कहते हैं वल अंसार और अंसार जिन्होंने महाज्रन की मदद की उनके लिए अपना घर उनके लिए अपनी दुकानें उनके लिए अपने जायदा जायदाद उनके लिए अपनी ज़मीनों को वक्फ किया और उनको ठिकाना दिया हिजरत और नुसरत इन दोनों के ज़रिए से इस्लाम आगे बढ़ा तो अल्लाह रबालमिन ने फरमाया व सबकून अलामिनलमहाजरीन अवलसार पहले सबकत करने वाले महाजरीन और अनसार वलदी तबाहम बेहसान और वो लोग जिन्होंने इनकी इतबा की खुशदिली के साथ शरह सदर के साथ बेहसान एहसान के साथ खलूस के साथ यानी जो महाजरीन और अंसार के कदम पर चले उनके मिशन को अपनाया बस लोगों ने लिखा है कि इससे बाद में होने वाले मुसलमान हैं बस लोगों ने कहा कि कयामत तक के मुसलमान हैं बाज़ लोगों ने कहा कि इससे मुराद कौन है तबयीन जो सहबा के बाद जिंदगी गुजारे तो अल्लाह तबारक वाल ने इन ताल। इनके ताल्लुक से फरमाया रज़ी अल्लाम वन ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं और अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका सहाबे काम दुनिया की वो मुकदस जमात है जो अम्बिया के बाद सबसे अफजल है हमारा ये अकीदा है और मेरे ख्याल से आप सबका अकीदा यही होगा कि इस दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए तमाम इंसानों में सबसे अफजल और मुक़दस गिरोह किसका है अम्बिया कराम का अम्बिया कराम के बाद दूसरे नंबर पर सबसे मुक़दस गिरोह किसका है साहब कराम का अल्लाह तबारक ताल ने इनकी रजा के लिए इनकी खुशनुदी के लिए पुरानी मजीद में ये अल्फाज उतारे रज अल्लाह आन हम व रजु आन हो अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं किसी और के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि अल्लाह इनसे राजी हो चुका है या यह अल्लाह से राजी हो चुके हैं मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग हमारे होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि हम तो अल्लाह से राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से राजी हैं लेकिन अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं है कि नहीं ये साहब इकराम की सिफत है कि ये भी अल्लाह से राजी हैं अल्लाह भी इनसे राजी है अगर हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से राजी हैं ठीक है लेकिन अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं कोई गारंटी है नहीं तो सिर्फ़ साहब कराम का वो गिरोह है जिनके बारे में अल्लाह ने फ़रमाया रज़ी अल्लाम व रजु अ ये अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह इनसे राजी है व जन्ना तिन तजरी तह तह अनहार और इनके लिए अल्लाह तबारक व ताल ने ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं खालिदी नफीहा अबदा ये हमेशा जन्नत में रहेंगे उीम और यह बहुत बड़ी कामयाबी तो सहाब इक्राम को अल्लाह तबारक ताली ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई आप सुन लें हमारा ये अकीदा है कि कोई भी सहाबी अगर वह सहाबी है शरफ़ सहाबियत से मुशर्रफ हुआ है तो वह जन्नती है इसलिए अगर कोई साहब कराम को बुरा भला कहता है चाहे वह हल्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तैन चाहे वह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तैन चाहे वो उमर फारूक हो चाहे वो उस्मान गनी हो किसी भी सहाबी को बुरा कहने वाला हम उसको बुरा जानते हैं और हम उसके ईमान को तस्लीम नहीं करते हैं इसलिए कि साहब कराम को बुरा भला कहने वाला मोमिन नहीं हो सकता है वो राफिजी है साहब कराम को बुरा भला कहने वाला वो मोमिन नहीं हो सकता है वह काफिर है अल्लाह तबार ने क्राम की सिफत बयान की और फरमाया कि ये अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह इनसे राजी है अगर कोई साहब कराम से राजी नहीं है तो हम भी उससे राजी नहीं है ये दो टोक जवाब है सहाबा से नफरत करने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता है सहाबा से नफरत करने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता है उमुल मोबिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तहा को गाली देने वाला हमसे दोस्त नहीं हमारा दोस्त नहीं हो सकता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखत जिगर हज़रत फातिमा से मोहब्बत का इजहार करता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेते बीवी हज़रत आयशा को गाली देता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला तैनों से मोहब्बत का इज़हार करता है लेकिन जो सहाबा में सबसे अफजल हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तैनों को गाली देता है वो हमारा साथी नहीं हो सकता है ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जा सकती है ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं की जा सकती है ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखो वरना आपका भी ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा क्यों इसलिए कि ये वो साहब क्राम हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रजी अल्लाह आन हम वह रजुआन ये अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं और अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है सूर तोबा की आयत इसी तरह सूर नमल में अल्लाह ने फरमाया लकत ताब अल्लाह आल नबी ई वमहाजरीन अल्लाह तबार को तला ने तोजो फ़रमाई अपने नबी पर और महाज्रन पर और अनसार पर अदीन تبعوه في सा आतीसरा जिन लोगों ने कठिन मौका पर तंगी के मौका पर नबी का साथ दिया नबी की पैरवी की ये तंगी का मौका क्या है ये सख्ती का वक्त क्या है मुहदसिन ने लिखा है मुफस्सरीन ने लिखा है यहाँ सातिल उसरा से मुराद गजवा तबूक का वक्त है गजवे तबू के मौका पर सख्त गर्मी का ज़माना था मुसलमान परेशानी के आलम में थे खाने के लिए खाना नहीं पीने के लिए पानी नहीं सख्त गर्मी की वजह से और प्यास की वजह से सहाबे क्राम कहते हैं कि हमारी गर्दनें टूट रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमारे सर हमारे धड़ों से अलग हो जाएंगे इतनी गर्मी थी प्यास के लिए पानी प्यास बुझाने के लिए पानी मैसर नहीं था साहब हाबे कहते हैं ऐसा कठिन मौका था कि एक खजूर को दो दो सहाबी में तकसीम किया जाता था जब किसी ने बाद में पूछा कि उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी एक खजूर पर तुम्हारा यह हाल था तो कहा हमें उसकी कदर उस वक्त मालूम हुई जब एक खजूर दो लोगों में तकसीम किया जाता एक खजूर वो भी दो सहाबी को दिया जाता था प्यास को बुझाने के लिए सहाबे क़राम कहते हैं एक खजूर को लेकर के एक सहाबी चूसते फिर दूसरे को देते फिर वो चूसता फिर तीसरे को देते फिर वो चूसता एक खजूर को कई कई सहाबी सूख करके अपनी प्यास बुझाते ऐसा सख्त मौका था अल्लाह ने फरमाया तौला ने फरमायाल तब उतलरा जिन लोगों ने तंगी के मौका पर नबी का साथ दिया मेरे भाइयों हजरत उमर बिन खताब रजियला कहते हैं जमाना ऐसा आ गया था हालत ये थी कि एक ऊंट जो जो उसकी लीद होती थी लोग उसको निचोड़ते थे और उसकी लीद निचोड़ने के बाद जो पानी निकलता था उससे अपनी प्यास बुझाते मेरे भाइयों जान बचाने के लिए कभी कभी इंसान को ऐसे हालात से गुजरना पड़ता सोचिए कैसा वक्त रहा होगा कैसा वक्त रहा होगा आज हम आपका साथ देते हैं आप हमारा साथ देते हैं कब तक जब तक कि हालात नॉर्मल हैं जरा परेशानी हुई तो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ऐसे सख्ती के मौका पर खाने के लिए खाना नहीं पीने के लिए पानी नहीं एक एक खजूर को कई कई साहबी चूस करके अपनी प्यास बुझा रहे हैं और ऊंट की लीट को निचोड़ करके उसकी पानी से अपना प्यास बुझा रहे हैं लेकिन सहाबा ने नबी का साथ नहीं छोड़ा यह है सच्ची मोहब्बत यह है नबी की एता यह है नबी की फरमाबरदारी और आज उन सहाबा को गाली देते हैं आज उन सहाबा को बुरा भला कहते हैं और अपने आप को यह कहते हैं कि आस, असल मुसलमान हम हैं नबी के आलोलाद से मोहब्बत करने वाले हम हैं अफजियो तुमने अहले मोहब्बत के नाम पर सहाबे कराम को तानो तशनी करके अपने ईमान को खराब कर लिया है हमारा यह अकीदा है एक अदना सहाबी को भी गाली देने वाला अदना सहाबी को भी बुरा भला कहने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता ये हमारा अकीदा है सुन लो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसे सातरा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया अल्लाह ताला ने फरमाया यजीगु कुलूब फरीक मिनहुम ऐसा वक्त आ गया था कि एक फरीक जो है उसका ईमान डगमगा गया था वो सोच रहा था कि अब हम नबी का साथ नहीं दे पाएंगे अब हम नबी का साथ नहीं दे पाएंगे लेकिन अल्लाह तबारक ने उनके हालात को दुरुस्त किया ताबा फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ तवज्जो की उनके हालात को दुरुस्त किया उनके दिलों को मज़बूत किया कभी कभी हमारे और आपके दिल में भी ऐसी कैफियत आ जाती है कि हम हमारा हक़ पर डटना मुश्किल हो जाता है अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो और अगर अल्लाह की तरफ से इनायत ना हो तो इस्तेकामत अख्तियार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गजव तबूक के मौका पर एक जमात के दिल में ये बात आ गई कि अब हम नबी का साथ नहीं दे पाएंगे बाईम फिर अल्लाह तबारक वाली ने उनकी तरफ तोज्जो फरमाई उनके हालात को दुरुस्त किया इन्हू बिहिम रऊफर रहीम बेशक अल्लाह तबारक वाली मदद करने वाला है रहम करने वाला है मोहब्बत करने वाला हैतर सद्दीक़ी अल्लाह तैनो अल्लाह के नबीम की खिदमत में गए और कहा कि अल्लाह के रसूल लोग प्यास से मर जाएंगे लोगों की गर्दनें टूट रही हैं प्यास से लोग मर जाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए साहब कराम कहते हैं नबी ने हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ की अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपना हाथ नीचे नहीं गिराए थे कि आसमान पर बदली छा गया खूब बारिश हुई हमने उस बारिश से खूब फायदा उठाया अपने बर्तनों को भी हमने भर लिया फिर उस जगह से जब हम आगे गए हमने पता लगाया दूसरी कहीं जगह पर बारिश नहीं हुई थी दूसरी जगह पर कहीं भी बारिश नहीं हुई थी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था कि अल्लाह तबारक तला ने सहाबे कराम के ऊपर रहम करम फरमाया मेरे भाइयों ये वो सहाबा हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक ने फरमाया अभी जो आयत मैंने पढ़ी है ये सूर तौबा की है सुर नमल में अल्लाह ने फरमाया कुल व सलाम अला इबाद अला इबादी कह दीजिए हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ़ अल्लाह की है व सलाम अला इबादी अस्तफ़ा और सलामती हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया है किन को चुना है अल्लाह ने सहब कराम को सहाब कराम को नबी की सोहबत के लिए चुना अल्लाह तबारक तआला की सलामती हो अल्लाह तबारक व तआला ने तौर मजीद में सहाब कराम पर सलामती नाजिल करके आने वाले लोगों के लिए ये सबक दिया कि ये सहाब कराम सलामती का सबब हैं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला तैन फरमाते हैं मन का न मुन्न फ़लियस्तन न बिबन जो शख्स किसी को आइडियल बनाना चाहता किसी की पैरवी करना चाहता है तो आइडियल और पैरवी कैसे लोगों की करेगे उन लोगों की जिनकी वफात हो चुकी है जिंदा रहने वाले शख्स की पैरवी नहीं कर सकते उसको आइडियल नहीं बना सकते क्यों हो सकता है आगे चलकर वो गुमराह हो जाए मन का ना मुस्तन फलियस्तन ना जो पैरवी करना चाहता है आइडियल बनाना चाहता है उन लोगों को बनाए जो लोग वफात पा चुके हैं और वो कौन है हम्मदिन सल्लाम ये आइडियल और नमूना जिनको बनाया जाएगा वो कौन है नबी करीम सल्लाम के सहाबा हैं नबी करीम सल्लाम के सहाबा हैं आपने फरमा कानू खैर ये उम्मत के सबसे अच्छे लोग थे अल्लाह तला ने फरमा कुंत खैर उम्म तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो यहाँ सबसे पहले मुराद कौन है वही साहब के राम जो नबी करीम के जमाने में थे और नबी के जमाने में का नजूल हुआ अब्दुल्ला मसूद कहते हैं कानू ये उम्मत के सबसे अच्छे लोग थे बाद में आने वाला कितना भी बड़ा आबिद हो जाए जाहिद हो जाए आलिम हो जाए साहबा के मुकाम को नहीं पहुँच सकता है हमारी तुम्हारी क्या औकात की सहाबे क्राम के तालक से ज़ुबान खोलें हमारी तुम्हारी क्या हैसियत कि नबी करीम स्थार के सहाबा के बारे में बुला भरा कहें कानू उम्म्म। ये उम्मत के सबसे अच्छे लोग थे अबर रहा कुलूबन इनके दिल सबसे ज़्यादा पाकिजा थे हमारे दिलों में गंदगियाँ भरी हुई हैं हमारे दिलों में नफ़रत भरे हुए हैं हमारे दिलों में इخला... हमारे दिल इखलास से खाली हैं रियाकारियां भरी हुई हैं ये वो सहाबे क्राम थे जिनके बारे में फरमाया अबर रहा कुलूबन इनके दिल सबसे अच्छे थे सबसे नेक थे व आ मकहा इल्मन। इनका इल्म सबसे गहरा था बोलते कम थे लेकिन इल्म बहुत गहरा था और हमारे लोग बोलते बहुत हैं लेकिन इल्म बहुत कम है मेरे भाइयों साहब इक्राम के बारे में फरमाया गया आ मकहा इनका इल्म बहुत गहरा था क्यों इसलिए कि उनके वस्ताद मोहम्मद रसोल्ह वसलम थे वो अकल्ला तकल्लुफन ये वो सहाबा हैं जिनके यहाँ तकल्लुफ़ बहुत कम था जो मिला खा लिया जहाँ मिला सो गए जैसा हुआ जिंदगी गुजार ली तकल्लुफात नहीं थे और हमारी जिंदगी तकल्लुफात से भरी हुई है बिस्तर नरम रहा नहीं रहा तो नींद नहीं आती है गाड़ी कंफर्टेबल नहीं रही तो परेशान हो जाते हैं मेरे भाइयों साहब इकराम कोई तकल्लुफ नहीं करते थे जहां मिला सो गए जमीन पर बैठ गए जो मिला खा लिए तकल्लुफ नाम की कोई चीज नहीं थी अकल्ला तक सबसे कम तकल्लुफ साहब के नाम में था इख्तर सोहबत नबी यही अल्लाह तबारक वाले ने अपने नबी की सहबत के लिए इन्हीं को मंतखब किया क्यों मुंतब किया इनके दिल साफ थे क्यों मुंतखब किया इनका इल्म गहरा था तखब किया इनके अंदर तकल्लुफात नहीं थे मेरे भाइयों यूं ही सबको यूं ही सबको मकाम नहीं मिला करता है ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए अपने दिलों को साफ करना पड़ता है इल्म को गहरा करना पड़ता है तकल्लुफात को खत्म करना पड़ता है चाहते सब हैं क्यों औजय सुरैया पे मुकीम चाहते सब हैं क्यूं औजय सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करो अपने में वो कलब सलीम ये वो सहाबे क्राम थे जिनका इल्म सबसे गहरा था जिनका दिल सबसे ज़्यादा पाकिज़ा था जो तकल्लफात से बिल्कुल दूर थे इख्तार रुमल सोहबत नबी यही अल्लाह तबार को ने अपने नबी की सोहबत के लिए इनको मंतखब किया वह नकल दीन ही और अपने दीन को दूसरों की तरफ मुंतकिल करने के लिए सहाब कराम को मंतखब किया फ़तः शब बहूब व तरा तो अब बाद में आने वालो तुम सहाब कराम की मुशाबहत अख्तियार करो बे अखलाकम व तराई केम उनके अखलाक को अपनाओ उनके तरीक़े को अपनाओ वाह अकबर साहब कराम मेार हैं सहब क्राम कसौटी हैं सहाब कराम को अपना आइडियल और नमूना बनाया जा सकता है बाद में आने वाला इमाम कितना भी बड़ा हो जाए चाहे लोग उसको इमाम आजम का नाम दे दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से बड़ा नहीं हो सकता है अल्लाह तबारक तआला ने इनको वो मकाम दिया अल्लाह तबारक तआला ने इनको वो इल्म दिया अल्लाह तबारक तआला ने इनके दिलों को पाकिजा बनाया अल्लाह तबारक तआला ने सहाबे किराम के मियार को आने वाले लोगों के लिए उनके ईमान को मीर हक और कसौटी बनाया फ़ैन आमनू बेमिस मा आमन तुम भी फ़कद तदऊ अगर वो लोग भी ईमान ले आए जैसा कि साहब क्राम का ईमान है फ़द्द तदऊ तो वो लोग लो हिदायत पर आ जाएंगे मेरे भाइयों साहब क्राम इस उम्मत के लिए मेार हैं साहब क्राम इस उम्मत के लिए सबसे बेहतरीन मनहज हैं साहब इक्राम इस उम्मत के लिए सबसे बेहतरीन आइडियल और नमूना हैं, साहब क्राम की समझ से हट करके अगर हमने अपनी समझ लगाने की कोशिश की तो गुमराह हो जाएंगे साहब क्राम के बारे में कहाँ फ तशब बहूब अखलाकम उनके अखलाक को अपनाओ व तराइक हिम और उनके तरीक़ों को अपनाओ फ़हम असहाब साहब महमदिन सल अल्लाह वसलम इसलिए कि ये नबी वसल्लम के सहाबा हैं कानू अल्दलमुस्तकीम ये लोग हिदायत पर थे सीधे रास्ते पर थे इनके बारे में कोई शक नहीं है बाक़ी लोगों के बारे में शक किया जा सकता सहाब कराम मेार हैं कराम मार हैं सा कराम आइडियल और नमूना है साहब कराम की तारीफ फरमाते हुए अल्लाह तबारा ने एक और मकाम पर फरमाया सुर फ़ाह में फरमाया मोहम्मदात मोहम्मद सल अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथी हैं अश्दाउफ़ात ये काफिरों पर सख्त हैं रोहमा उम आपस में रहम दिल हैं सहब कर कुफार पर सख्त हैं आपस में रहम दिल हैं हमारा मामला उल्टा है हम आपस में बहुत सख्त हैं एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं और कुफार के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं साहब इकराम का मामला ऐसा नहीं था आपस में शीर शकर होकर रहते थे आपस में मोहब्बत के साथ रहते थे और कुफ्फारशरकिन के मुकाबले में क्या होते थे एटम बम थे हो हल्के यारा तो बरीशम की तरह नरम हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन मेरे भाइयों साहब इकराम आपस में मोहब्बत के पैकर थे एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे एक दूसरे के काम आते थे एक दूसरे का ताउन करते थे और एक दूसरे से मिल करके गैरों का मुकाबला करते थे आज हम टुकड़ियों में बढ़ गए आज हम जमातों में बढ़ गए आज हम फिरकों में बढ़ गए आज हम एक दूसरे से नफरत करने लगे आज हम एक दूसरे से दूर हो गए आज हमें एक दूसरे को तानो तशनी करने लगे आज हमने अपने वजूद को खो दिया आज हमने अपने इतिहास को पारा पारा कर दिया आज दुश्मन हमें आंखें दिखा रहे हैं वो दुश्मन जो हमारे सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे जिनकी हैसियत नहीं थी कि मुसलमानों से मुकाबला कर सकें आज वो हमको गुलाम बनाने की साजिशें कर रहे हैं मेरे भाइयों अल्लाह तबारो हम आम यह आपस में रहम दिल हैं अशद वलकुफार, काफरों पर सख्त हैं रुहा नहुम, आपस में रहम दिल हैं तरा हम रुक का तुम उनको देखोगे रुकू में पड़े हुए हैं तुम उनको देखोगे सजदे में पड़े हुए हैं जब तगोन फजल मिनल व रिजवाना वह हमेशा अल्लाह तबारो को तला के फजल की तलाश में रहते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए रहते हैं मोमिन जो भी काम करता है अल्लाह की रजा के लिए करता हमने किसी की मदद की अल्लाह की खातिर किसी से दुश्मनी किया अल्लाह की खातिर हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए करते हैं मोमिन अपने लिए कुछ नहीं करता है लेकिन आज हमारा हाल क्या है हम अपने लिए जी रहे हैं। तरा हम रुकुजन व रिजवाना तुम देखोगे उनको रुकू की हालत में सजदे की हालत में वो अल्लाह को तला के फ़ज़ल और रिजवान की तलाश में रहते हैं फी तुम उनके उनके चेहरों पर सजदे की निशाना देखोगे अल्लाह अकबर सजदा ही नहीं करते हैं नमाज ही नहीं पढ़ते कैसे मुसलमान है कैसे मुसलमान है? है जो सजदा नहीं करता कैसा मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता है साहब एक राम की सिफत अल्लाह ने फाई सीमा हूं उनके चेहरों पर सजदे की निशानात होते हैं सजदा करो मेरे भाइयों नमाज पढ़ो जो नमाज नहीं पढ़ता जो सजदा नहीं करता वो कैसा मुसलमान सीमा हूँ फी वजू ही हिम मिना सर उनके उनके चेहरों पर सजदे के निशानात हैं जाली का मसल तौरात वाल इंजील अल्लाह तबारक तआला ने उनकी इस मिसाल को तौरात और इंजील में भी बयान किया ये हैं मुसलमान ये हैं सहब कराम जिनकी मिसाल अल्लाह तबारक बयान की हज़रत अबू मूसा शरीर रजी अल्लाह तौन बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सितारे आसमान के लिए अमन है रात में जब हम ऊपर देखते हैं आसमान में सितारे हैं ना सितारे आसमान के लिए अमन हैं जब सितारे नहीं रहेंगे तो आसमान भी नहीं रहेगा सितारे आसमान के लिए अमन हैं सितारे नहीं रहेंगे तो आसमान भी नहीं रहेगा हमारे नबी फरमाते हैं मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ मैं नहीं रहूँगा मेरी वफात के बाद सहाबे क़राम पर आजमाइशें आएंगी साहब कराम पर आजमाइशें आएंगी चुनानचे जब तक अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम थे अल्लाह तबारक ने सहाबे क्राम को महफूज रखा था नबी करीम वफ़ात के बाद सहाब कराम को मुख्तलिफ आजमाइशों से दो चार होना पड़ा ने हदीस तैयार हुए मुनक्रीन जका जक़ात तैयार हुए मुद्दियान नबूत तैयार हुए मुरतद्दीन तैयार हुए कितने फितरों का सामना करना पड़ा साहब कराम ने उन तमाम फितरों को झेला मालूम ये हुआ कि नबी करीमल वसल ने फरमाया था मेरे बाद मेरे सहाबा पर आजमाइशें टोट पड़ेंगे और ये आजमायशें साहब कराम पर आई फिर अल्लाह के नबी फरमाया, मेरे सहाबा अमान है मेरी उम्मत के लिए मेरे सहाबा अमान है मेरी उम्मत के लिए जब साहब इक्राम दुनिया से चले जाएंगे, तो उम्मत पर वो चीज़ें आएंगी जिनका उनसे वादा किया गया था यानी वो विदात में खुराफात में पड़ जाएंगे और आज हाल क्या हुआ साहब इक्राम के दुनिया से चले जाने के बाद मुसलमानों में शिर्क आ गया मुसलमानों में बिदात आ गए मुसलमानों में खुराफात आ गए साहब क्राम अमन थे जब तक साहबा मौजूद थे बिनात और ख़ुराफात ने जन्म नहीं लिया था तो मेरे भाइयों ये है साहब क्राम का मकाम व मरतबा जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपके सामने बयान किया इब्ने मसूद रजी अल्लाह तन कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किए अल्लाह के रसूल सबसे अच्छे कौन लोग हैं सबसे अच्छे कौन लोग हैं तो आपने फरमाया करनी मेरे जमाने के लोग नबी ससरम के ज़माने में कौन थे साहब क्राम सुम लदीना यलून अहम सुम्लीना यलून फिर जो उनके बाद हैं फिर जो उनके बाद दुनिया में अम्बिया कराम के बाद सबसे मुक़दस गिरोह किसका है साहब इक्राम का साहब क्राम के बाद किसका है ताबइन का ताबइन के बाद किसका है तबा ताबइन का ये तीन लोगों का जिक्र किया मालूम ये हुआ कि ये तीन सदियाँ आम से बेहतर रहेंगी इन तीन सदियों तक जो इस्लाम था वो अब नहीं है ये तीन सदियों में जो मुसलमान थे वो अब नहीं हैं उनका इल्म उन, 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 उनका उनकी उनके उनकी जो है मेहनतें उनकी काविशें उनके लिए दीन के लिए कुर्बानियाँ जो तीन सदियों में थी वो अब नहीं रह गई मेरे भाइयों इसीलिए अल्लाह के नबी नबीसलम ने तीन सदियों का तस्करा फरमाया सबसे अच्छे लोग मेरे ज़माने के हैं फिर मैं उसके बाद फिर उसके बाद यानी साहब कलाम का ज़माना फिर ताबयन का ज़माना फिर तबा ताबिन का ज़माना जैसा कि अल्लाह के नबी सल्ला फरमा सईबाली सही मुस्लिम की हदीस में अबू सैद खुदी रजी अल्लाह तन कहते हैं कि अल्लाह के नबी फरमा ला सहाबी मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो फवल नफसी बेदही कसम है उस अल्लाह की जिसके, जिसके हाथ में मेरी जान है बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में सदका खैरा कर दे बताइए हमारी मस्जिद में कोई ऐसा है जो उहुद पहाड़ के वजन के बराबर सदका कर सकता है सोना कोई है नहीं है अगर आपको वह हैसियत हो जाए यानी आप इतने बड़े हो जाएं कि ओहद पहाड़ के वजन के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। अल्लाह के नबी ससन ने फरमाया मा वला नसीफा ओहद पहाड़ के वजन के बराबर उसके सोने के बराबर वजन करने वा, सोने बहुत पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाला खर्च करने वाला सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता क्यों सहाबी के मकाम तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात है कहते नहीं हैं, तू मेरा मकाम क्या समझेगा तू मेरी बराबरी क्या करेगा साहब क्राम का मकाम और मरतबा तो दूर की बात है प्यारे नबी ने फरमाया साहबा ने एक मुद्द मुद एक पैमाना होता था सा एक पैमाना होता सा ढाई किलो का होता मुद बहुत छोटा होता है हमारे नबी ने फरमाया एक मुद हमारे सहाबा ने जो खर्च किया है बाद में आने वाला उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा कर दे हमारे साहबी के मकाम को नहीं पा सकता है। अरे एक मुद तो छोड़ो आधा मुद्द के बराबर भी नहीं पहुंच सकता अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने साहबे क़राम का मकाम बहुत ऊंचा बनाया उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा करने वाला साहब कराम के एक मुद्द के अनाज के बराबर का भी सवाब नहीं हासिल कर सकता है एक मुद तो दूर की बात है आधा मुद का सवाब भी नहीं कमा सकता है सही बखारी सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह तबारक ताली ने साहब क्राम को वो मकाम दिया है जो सहाबी को गाली देता है उससे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है जो साहब इक्राम को गाली देता है हम उसको मुसलमान नहीं समझते हैं जो साहब इक्राम को बुरा भला कहता है हम उसको इस्लाम से खारिज समझते हैं क्यों इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सोन तबरानी की हदीस है अब्दुल्लाबिन अब्बास रजी अल्लाह तदीस के रामी है हमारे नबी ने फरमाया मन सब्बा अबी जो शस मेरे सहाबा को गाली देता है फाल ही लानतल्ला उसके ऊपर अल्लाह की लानत है वल मलाई का फ़रिश्तों की लानत है वल ना से अजमीन और तमाम लोगों की लानत है मेरे भाइयों मुहरम के महीने में अबू बकर सिद्दीक बकरी अल्लाह तहो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तहो हज़रतमान गनी रज़ी अल्लाह तहो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह त

अल्लाह के नबी ससरा ने फरमाया जिस तरीके से तमाम खानों पर शरीद को फजीलत हासिल है ऐसे ही तमाम औरतों पर हजरत आयशा को फजीलत हासिल है लेकिन ये लोग हजरत आयशा को गाली देते हैं बुरा भला कहते हैं ऐसे शख्स से हम दोस्ती कर सकते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को साहब कर से सच्ची मोहब्बत करने की तोफीक नायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खातमा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रब्बना तकब्बल मन्ना इन न का अंत समयलीम व तुबालैना इन न का अंत तो रहीम बरहती का या अरहमर नामी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ